दोस्तों पुष्पा द रोल इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है और इस टीजर में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है वो इस टीजर की कलर ग्रेडिंग है। इस टीजर में जो कलर ग्रेडिंग की गई है वो टील एंड ऑरेंज कलर ग्रेडिंग की गई है, बिल्कुल हॉलीवुड की तरह। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ कलर ग्रेडिंग के कुछ सीक्रेट शेयर करूँगा जिससे आप कलर ग्रेडिंग करने में माहिर बन जाओगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको अपनी क्लिप पर टील एंड ऑरेंज कलर ग्रेडिंग करके बताऊंगा। दोस्तों ये हमारे पास क्लिप है और मैं इस क्लिप पर पुष्पा द रोल का जो टीजर है उसी तरीके से कलर ग्रेडिंग करके बताऊंगा। तो देखते रहिए हमारे स्टिपो को और जानते रहिए कि कैसे मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ और सीक्रेट आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको कलर पे आना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले बेसिक कलर करेक्शन करना है। बेसिक कलर करेक्शन बहुत जरूरी होता है हर कलर ग्रेडिंग में, तो बेसिक कलर करेक्शन कर लेना है आपको। सबसे पहले आपको फुटेज को देखना है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट है या नहीं। अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं है तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है। इसमें जैसे हमारे फुटेज में कॉन्ट्रास्ट की कमी लग रही है तो इसे हम बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद इसमें शैडो हल्का सा कम करेंगे। फिर उसके बाद हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और जो ब्लैक है उसे भी हम लोग कम करेंगे। फिर उसके बाद आपको सीधा आना है कर्व पे। कर्व को बहुत ज़रूरी समझना होता है कलर ग्रेडिंग में। तो सबसे पहले इसमें हमें टील एंड ऑरेंज करना है तो कर्व को हम ऊपर की तरफ कर देंगे। रेड वाले कर्व को हम लोग ऊपर की तरफ करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे ह्यूमन वर्सेस सिचुएशन को हम लोग बढ़ाएंगे। फिर सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा लूमा वर्सेस सेचुरेशन। यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से ग्राफ कर देना है लूमा वर्सेस सिचुएशन का। फिर उसके बाद आपको सीधा आ जाना है कर्व व्हील्स एंड मैच में और यहाँ पे आपको जो शैडो है उसे हल्का सा ब्लू की तरफ कर देना है। फिर उसके बाद जो आपका मिड टोन है उसे भी ब्लू की तरफ कर दो। हाईलाइट में जो आपका पार्ट होता है वो हमेशा पीछे का होता है और जो हाईलाइट एरिया होता है जिसमें ज़्यादा रोशनी दिखाई देती है वो हाईलाइट पार्ट्स होते हैं, तो इसमें हमें ऑरेंज कर देना है। फिर उसके बाद आपको सीधे आ जाना है वेगनेट पे और यहाँ पे आपको अमाउंट कम कर देना है और जो फेदर है उसे बढ़ा देना है। फिर आपको क्रिएटिव में आना है और यहाँ पे आपको वाइब्रेंट एंड शार्पन दिखेगा। शार्पन एंड वाइब्रेंस जो होता है अपनी वीडियो के हिसाब से सेट किया जाता है। जैसे कि हमारे में शार्पन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो हमें यहाँ पे वाइब्रेंस हल्का सा बढ़ाएंगे, तो वाइब्रेंस हल्का सा बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद कलर ग्रेडिंग का जो अगला पार्ट है वो है सेचुरेशन। कई लोग अपनी वीडियो में कलर ग्रेड करने के बाद सेचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिससे आपकी जो कलर ग्रेड है वो बेकार सी लगने लगती है। तो आपको अपने फुटेज के हिसाब से सेचुरेशन बढ़ाना है। जैसे हमारे फुटेज में सेचुरेशन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बढ़ाना भी चाहते हो तो 110 या 105 के बीच में ही सेचुरेशन को रखो। इससे यह होता है थोड़ा रियलिस्टिक लुक मालूम देने लगता है और जो आपका कलर ग्रेड होता है वो थोड़ा सा बेटर लगने लगता है। दोस्तों ये हमारी कलर ग्रेडिंग रेडी है टील एंड ऑरेंज के रूप में। इसे अगर ऑफ और ऑन करके देखें तो कितना बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऑन किया और यहाँ पे ऑफ किया तो कितना बड़ा फर्क नज़र आ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके सारे कलर ग्रेडिंग के डाउट क्लियर हो गए होंगे।